हे दोस्तों, तो आज का सीन ये है कि आज मैं आया हूँ लक्ष्मी नगर, और लक्ष्मी नगर में आज मैं आप सभी को एक ऐसी जगह पर लेके आया हूँ ना, जहाँ पर समोसा ना नॉर्मल समोसा नहीं मिलता है, यहाँ पर मिलता है आयुर्वेदिक समोसा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और आप सभी सोच भी रहे होंगे कि आखिर ये आयुर्वेदिक समोसा आखिर है कैसा, मतलब इस समोसे में कौन सी जड़ी बूटियाँ डलती हैं जिसके कारण इसका नाम आयुर्वेदिक समोसा पड़ा है। वो तो दोस्तों हम ऑनर से बात करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। तो चलो सबसे पहले ये जो पूरा दुकान का सीन है ये मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस शॉप का नाम है माँ की थाली आयुर्वेदिक समोसा, वहाँ पर भी आयुर्वेदिक समोसा लिखा गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आयुर्वेदिक समोसा वाला, एक बार रेट आप देख सकते हैं। ये जो समोसा है 10 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, कचौड़ी भी मिलती है यहाँ पर, रसगुल्ला भी मिलता है, गुलाब जामुन भी मिलता है। और यहाँ पर एक आप सभी को मैं मिठाई दिखाना चाहूँगा, इस मिठाई का नाम है लौंग लता, ये है बिहार की शान। तो इसका भी रेट आप देख सकते हैं 10 रुपये, सभी के रेट यहाँ पर लिखे गए हैं। और ये बूंदी लेव करके कोई आइटम होता होगा उसका, मतलब आप देख सकते हैं जो प्लेट का प्राइस है वो 20 रुपये। तो चलो सबसे पहले यहाँ के ऑनर से एक बार हम बात करते हैं, और ये जो आयुर्वेदिक समोसा है इसके बारे में समझते हैं कि इस आयुर्वेदिक समोसे में आखिर कौन सी जड़ी बूटियाँ डलती हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम शशि रंजन है। शशि रंजन जी, रहने वाले बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से हैं, क्या बात है। बिहार आरा के रहने वाले हैं, बिहार में आरा से जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो आपने समोसा यहाँ पर आयुर्वेदिक समोसा रख रखा है, इसमें आप क्या क्या डालते हैं? सर ये आयुर्वेदिक समोसा है, इसमें दो मसाला है, जटा मानसी और लौंग भास्कर। जटा मानसी और लौंग भास्कर। और अच्छा। लहसुन और प्याज इसमें मिक्स कर बढ़िया से फ्राई करते हैं इसको। अच्छा अच्छा, फ्राई कराने के बाद इसको इसमें इसको फिलिंग होता है, इसमें लौंग भास्कर, जटा मानसी और लहसुन और प्याज का। और ये गाँव वाला समोसा है टेस्ट। अच्छा अच्छा, मतलब टेस्ट वाइज गांव वाला फील देगा। हाँ। और ये जो आपने मसाले बताए हैं जटा मानसी लौंग भास्कर, ये मतलब दोनों आयुर्वेदिक समोसा है। अच्छा, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक चीज़ें हैं ये, आयुर्वेदिक मसाला है। अच्छा, किस चीज़ के काम आता है ये? ये पेट के लिए आता है, पेट साफ रहता है इससे। इसके अलावा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके पास एक मिठाई है जिसका नाम है लौंग लता। ये है लौंग लता। अच्छा, इसमें लौंग लगा हुआ है आपको सेंटर में। अच्छा अच्छा, तो सर एक बार आप ये बता दीजिए यहाँ की टाइमिंग क्या होगी? कि आपको टाइम सुबह में 6 बजे खुल जाता है, 6 से अभी 8 बजे तक है। 6 बजे से 8 बजे तक। और यहाँ की लोकेशन एक बार और बता दीजिए। मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर, मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। अच्छा, वहाँ से गेट नंबर 2 से 10वां दुकान है ये। ठीक है ठीक है, सामने बीकानेर स्वीट्स है। अच्छा, तो सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर बीकानेर स्वीट्स है। हाँ जी, वो देखो, और ये रेड लाइट के एकदम जस्ट सामने ही है मेरा शॉप। ठीक है, तो रेड लाइट के ठीक सामने U38 नियर बाई बाबा पैलेस। बाबा पैलेस, जी हाँ। ठीक है, तो नियर बाई बाबा पैलेस है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये समोसे के साथ एक मतलब अलग किस्म की यहाँ पर चटनी दी गई है, तो सर बताएंगे ये चटनी मतलब किस चीज़ की होगी? ये चटनी आपको लहसुन, टमाटर, अदरक और प्याज का है। अच्छा, तो इन चीज़ों का मिश्रण बना के आपने चटनी बनाया है, तो चटनी भी काफ़ी अलग है, मतलब वो जो हरी चटनी और लाल चटनी मिलती है ना, तो काफ़ी मतलब सही चटनी है, मतलब पेट के लिए सही चटनी रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लाल मिर्च नहीं है, हरा मिर्च है। अच्छा, लाल मिर्च नहीं है? नहीं, लाल मिर्च नहीं डालते। तो लाल मिर्च इस चटनी में नहीं है, हरा मिर्च इसमें मतलब पीस के दिया गया है, जो कि मतलब सही होता है, स्वास्थ्य के लिए सही होता है। और इसके अलावा ये देख सकते हैं ये हमने लौंग लता लिया है। तो चलो सबसे पहले ये जो हमारा आयुर्वेदिक समोसा है ना, इसे मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ इसकी फिलिंग क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसकी फिलिंग, मतलब फिलिंग तो एकदम नॉर्मल सी है, लेकिन उन्होंने बताया था 2 अलग से मसाले डाले थे, जटा मानसी और एक और मसाला बताया था, वो शायद मैं भूल गया क्या बताया था। और इसके अंदर नॉर्मली ये आलू का मसाला है, मटर है और ये गाजर है। तो चलो टेस्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। तो भाई साहब, चटनी का जो मतलब खुशबू है ना, वो काफ़ी अच्छी आ रही है। ये देखो भाई, भाई पहला बाइट ले आए और समोसे का जो टेस्ट है ना, काफ़ी गजब है। मतलब लहसुन का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, चटनी में काफ़ी अच्छी तरीके से लहसुन डाला गया है, समोसे में भी लहसुन है, तो लहसुन का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और जो नॉर्मल समोसा होता है ना, उससे तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है स्वाद में, मतलब अच्छा लग रहा है खाने में। थोड़ा सा और खाता हूँ मैं। भाई एक नंबर, नॉर्मल समोसे से टेस्ट काफ़ी अलग है, अच्छा टेस्ट है, और ये आपके मतलब स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी सही रहेगा। तो समोसे के बाद ये जो हमारा लौंग लता मिठाई है, इसको भी एक बार मैं तोड़ के आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर फिलिंग क्या है। तो ये देख सकते हो भाई,
ये फिलिंग है, ये मावा की फिलिंग है मतलब। तो चलो टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। और चाशनी में डूबा हुआ है, तो चलो टेस्ट करते हैं। भाई गजब टेस्ट है। ये जो लौंग लता मिठाई है इसका भी प्राइस 10 रुपये है, और वो जो हमने आयुर्वेदिक समोसा खाया है ना उसका प्राइस भी 10 रुपये है। तो प्राइस के हिसाब से भी काफ़ी किफ़ायती है, और टेस्ट वाइज तो दोनों ही चीज़ काफ़ी लाजवाब है। तो अगर आप कभी लक्ष्मी नगर आओ, शकरपुर की साइड आओ, तो यहाँ के आयुर्वेदिक समोसा आप ज़रूर से ट्राई करना। साथ ही में इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम हैं, जैसे लौंग लता है, समोसा चाट है, तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, और बाकी यहाँ का जो एड्रेस है, लोकेशन है, आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।